नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे। ये दूसरी बार पीएम बनने के बाद उनका पहला कोलकाता दौरा है। इस दौरान राजभवन में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जो कि लगातार NRC और CAA का विरोध करती आ रही है। उस लिहाज से मुलाकात काफी अहम। पीएम का कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लेने समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर मोदी सरकार का जमकर विरोध कर रही है और इसी बीच ये संभावना जताई जा रही है कि नागरिकता संशोधन कानून पर 13 जनवरी को दिल्ली में होने वाली विपक्ष की बैठक से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी कल पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर सकती है। तो लगातार CAA और NRC का जो विरोध है वो देश भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी विरोध के बीच अब ये पूरे देश भर में CAA लागू हो चुका है और उस लिहाज से पीएम मोदी का ये कोलकाता दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कई कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम यहाँ पर और इस दौरे को लेकर तैयारियां भी की जा चुकी हैं। तो वहीं ममता के घर में पीएम मोदी ममता बनर्जी से मुलाकात भी यहाँ पर हो सकती है। तो ये मुलाकात भी कई चीज़ों में अहम जो है वो मानी जा रही, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी भी CAA और NRC के विरोध में मुखर होकर अपनी बातें रख रही हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष की बैठक दिल्ली में होने जा रही है उससे पहले ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ एक कार्यक्रम में मंच भी साझा करती हुई नजर आ सकती है। तो इस विरोध के बीच CAA पूरे देश भर में लागू हो चुका है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है और कोई भ्रम की यहां पर स्थिति ना बने इसी को लेकर पूरी तरह से कवायदे जो हैं वो BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से जारी है। लोगों के बीच जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।